के द्वारा भी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बाहरी जो है देख रहे हैं कि अभी भी जो व्हीकल्स का पार्किंग वगैरह है वो थोड़ा सा उस समस्या का कारण बना हुआ है, उस पर भी हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। सर आदेश मतलब सरकार की तरफ से आया है क्या? नहीं, गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। छठ पर्व के लेके वापसी कर रहल रेल यात्री खातिर जिला प्रशासन कैलस खास सुविधा। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। डीएम साहब के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज को देखा था नहीं तो फॉलो कर ली। लोक आस्था के पर्व छठ पूजा तक खत्म हो गई, लेकिन अब जवन लोग बिहार से बहरी के रहन वापसी करे वाला बड़ा, एकरा खातिर रेलवे या जिला प्रशासन के तरफ से खास सुविधा मुहैया करावल जा रहा है। बक्सर रेलवे स्टेशन परिसर के बहरी परिसर से लेके टिकट काउंटर अनेक जगह पर सहायता केंद्र बनावल गई बा। साथे साथ रेलवे के अधिकारी आरपीएफ टीआरपी के द्वारा लोग के सहूलियत प्रदान करे खातिर भ्रमणशील रह के जायजा लिहल जा रहा बा, ताकि कहीं भी भगदड़ जैसन स्थिति उत्पन्न मत हो, आराम से लोग को चढ़ावल जा सके, ढुकावल जा सके, निकालल जा सके। एकरा पहले ही डीआरएम बक्सर में जब निरीक्षण कैले रही तो साफ इंस्ट्रक्शन रहे कि जब तक लोग चढ़ी उतरी ना जी हैं तब तक ट्रेन आगा ना खुली। एकरा खातिर खास सुविधा रेलवे प्रदान कर रहा भी है। बता दी कि आरपीएफ के द्वारा माइकिंग के जरिए यानी माइक से बोल के यात्री के अनेक तरह के जानकारी प्रदान कैल जा रहा बा। साथे साथ ही भी बतावल जा रहा बा कि कोनो यात्री घबरास मत, पहले ट्रेन से यात्री के उतर जाए देश फिर ट्रेन पर चढ़ जब तक यात्री ट्रेन पर चढ़ ना जी हैं तब तक ट्रेन ना खुली। ऐसे कि सीधा सीधा डीआरएम आई रही वहाँ के साफ साफ कहले रही कि जब तक सब कोई चढ़ उतर ना जाए तब तक ट्रेन ना खुली। एकरा अलावा ट्रेन पकड़े वाला यात्री के ही ट्रेन के नज़दीक प्लेटफार्म पर आवे दिहल जा रहा बा। ऐसनो देखल जाला कि एगो आदमी के पहुँचावे खातिर साथे साथ 8 जना 10 जना चलिए वाला लोग एकरा के देखत खास इंस्ट्रक्शन दिहल जा रहा बा, संदेश दिहल जा रहा बटुए माइकिंग के तरफ से। माइक से बोलल जा रहा बटुए कि स्टेशन पर भीड़ मत बढ़ाई, जरा जाए के बटुए गंतव्य स्थल तक ओकरे के प्लेटफार्म पर आवेदी बाकी रोरा सब चल जाए, ताकि कोनो तरह के भीड़ भाड़ यात्री के परेशानी के सामना ना करे के पड़े। काहे से कि छठ में वापस आई लाखों लोग अब पुनः अपन जहाँ काम करतारे वापस जा रहल बड़न, जरा के देखत रेलवे प्रशासन आरपीएफ जीआरपी सब कोई अलर्ट मोड पे बा। यही क्रम में जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल भी बक्सर रेलवे स्टेशन पहुँचल रही वहाँ के जायजा लेनी, ताकि कहीं से कोनो यात्री के दिक्कत या परेशानी के सामना ना करे के पड़े। सीधा तस्वीर बक्सर के रेलवे स्टेशन के हटुए जहाँ पे पूरी तरह से अलर्ट मोड में प्रशासन भी आ, ताकि कोनो भी यात्री के आवे जाए में दिक्कत या परेशानी के सामना ना करे के पड़े। भोजपुरिया समाचार एक एक खबर को निगाह बनैले बा, हर खबर मजबूती से देखैले बा। रउरा दर्शक से निहोरा बा, शेयर करी, कमेंट करी, धन्यवाद। सुनी डीएम साहब का कहतनी वहाँ के बयान। सर आज आप यहाँ पर दौरा कर रहे हैं सर, छठ महापर्व को लेकर के रेलवे द्वारा जो आदेश निर्गत किए गए हैं जिला प्रशासन किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं बिल्कुल, देखिए हम सब लोग जानते हैं कि भारी संख्या में जो है प्रवासी बिहारियों का और प्रवासी बक्सर वासियों का आगमन अपने अपने जिलों में होता है। बक्सर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, पटना दिल्ली के लाइन पर ये पड़ता है, तो उस लिहाज से सारी जो है व्यवस्थाएं जो की जानी चाहिए सारी एहतियात हम लोग बरत रहे हैं। रेलवे प्रशासन का भी इसमें पूरी तरीके से तत्परता दिख रही है, वरीय पदाधिकारियों की तैनाती भी की गई है और विभिन्न जो भी प्रभाग है यहाँ पर एनसीसी के कैडेट्स मौजूद हैं, जीआरपी के जवान हैं, जिला प्रशासन के द्वारा भी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बाहरी जो है देख रहे हैं कि अभी भी जो व्हीकल्स का पार्किंग वगैरह है वो थोड़ा सा उस समस्या का कारण बना हुआ है, उस पर भी हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। सर आदेश मतलब सरकार की तरफ से आया है क्या कुछ के लिए? नहीं ऐसा नहीं, हम लोग एहतियात बरत रहे हैं क्योंकि बक्सर एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण स्टेशन है, इसलिए सभी तरह का भीड़ नियंत्रण के लिए हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो प्राथमिकता पे की जा रही है। क्या ट्रेनों को कुछ देर और समय दिया जा रहा है रुकने के लिए क्या? वो रेल प्रभाग से हम लोग बात करेंगे, पर जो भी है अभी के लिए जो भी नियमित परिचालन होता है उसी की तरफ। बिहार यूपी के बॉर्डर का ये स्टेशन है सर, इसमें यूपी और बिहार के बहुत संख्या में छठ व्रती आए हुए थे, देश के अलग अलग हिस्सों तक लोग जा रहे हैं,
तो जिला प्रशासन किस तरह से यहाँ तैयारी कर रहा है? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने बताया जिला प्रशासन के स्तर से हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की है, जीआरपी का भी सहयोग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, एनसीसी का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, और सबसे प्रमुख तौर पर जो रेलवे प्रशासन है उनकी भी बहुत तत्परता दिख रही है, वरीय पदाधिकारियों को भी तैनात किया और सभी तरह की व्यवस्थाएँ जो होनी चाहिए अभी स्थल निरीक्षण में वो दिख रही है। यूपी से आए हुए यात्रियों को लेकर क्या तैयारियाँ हैं? नहीं, ये प्रदेश से जो आ रहा है, जैसा मैंने बताया बक्सर से यहाँ से जो भी ट्रेन जाएगी प्लेटफॉर्म 2 से तो दिल्ली की तरफ जाती है, तो यूपी से भी बहुत सारे यात्री हैं, दिल्ली की तरफ भी जाएंगे, सभी के लिए बराबर प्रकार की तैयारियाँ हैं। हम लोग ये भीड़ भाड़ नियंत्रित यहाँ पर रहे, सभी प्रकार का अनाउंसमेंट आप लोग देख रहे हैं, पीए सिस्टम लगातार काम कर रहा है, स्थानीय भाषा में भी अनाउंसमेंट हो रहा है, तो सभी तरह की व्यवस्थाएँ हैं जो भीड़ पर नियंत्रण के लिए हम लोग की मदद करें।